नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ चितो सिंघाई। अब खबरें देखेंगे विस्तार से। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीन अभियान शुरू हो रहा है। सीएम शिवराज भोपाल के सुभाष मॉडल स्कूल से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दिन करीब 7000 सेंटर्स पर 12 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन सेंटर में 2007 से पहले जन्म लेने वाले 15 से 18 साल के बच्चे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरा डोज 28 और 42 दिन के बीच लगाया जा सकता है। वैक्सीन लगाने के लिए बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड और मोबाइल नंबर दिखाना होगा। वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट सेंटर पर रुकना होगा। वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह है। सुभाष स्कूल में वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया अनादि टीवी संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने। आज से देश भर में किशोरों के वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है और इस समय हम सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में खड़े हुए हैं और यहां से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10:50 पर वैक्सीनेशन जो अभियान है जो किशोरों के लिए उसका शुभारंभ करेंगे। यहां पर काफी सारे बच्चे हैं जो अपने आधार कार्ड को लेकर आए हुए हैं। ये आधार कार्ड दिखाने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन होगा और जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा। काफी उत्साह इन बच्चों में देखने को मिल रहा है। कितना उत्साह है वैक्सीनेशन को? बहुत उत्साह है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सेफ है वैक्सीन, इसलिए लगवाना चाहिए, सभी को लगवाना चाहिए। और भी काफी सारे बच्चे हैं भाई, कितना उत्साह वैक्सीन को लेकर? आज वैक्सीन लगने जा रही है बच्चों को, आज से शुरुआत हो रही है। उत्साह बहुत खुश है क्योंकि यही तो चाहिए था। वैक्सीन आ रही है, होगी थर्ड लेयर है वो हम बच्चों को होने वाली है। हम पता चला वो वैक्सीनेशन हमें लगना जरूरी है। हमारे पेपर आने वाले हैं, हम 10th क्लास में ऊपर से हमारी बोर्ड क्लासेस है तो वैक्सीनेशन लगेगी तो हम वायरस से बच पाएंगे। वैक्सीनेशन लगी तो कोरोना से बच पाएंगे। यहाँ तक अगर तैयारियों का और काफी सारी बच्चियां भी यहाँ पर जो है मौजूद है जो आधार कार्ड लिए हुए यहाँ पर खड़ी हुई है। बेटा आज से वैक्सीनेशन शुरुआत है, कितना उत्साह है बच्चियों में? सर बहुत उत्साह है वैक्सीन लगने के, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। वैक्सीन लग जाएगी, अब कोई खतरा नहीं रहेगा हमें। आपके पेरेंट्स भी आए हैं क्या यहाँ पर? पेरेंट्स नहीं आए क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब कहा है कि आप लगवाइए और बहुत खुशी है मुझे। इवन पेरेंट्स को भी है क्योंकि जो वायरस अभी फिर से बन रहा है ओमिक्रॉन, तो उसके हिसाब से तो अच्छा ही डिसीजन लिया है। तो आप देख सकते हैं भारी उत्साह यहां पर जो है देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर तैयारियों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी 10:50 पर यहां पर पहुंचने वाले हैं और व्यापक तैयारियां जो है सुभाष स्कूल में की गई है। आप देख सकते हैं मंच जो है पूरी तरह से तैयार है, मंच को काफी अच्छे से यहाँ पर जो है सजाया गया है। इसके अलावा पीछे जो है बैठने की व्यवस्था बच्चों की गई है, इसको भी पूरी अच्छी तरह से जो है सजाया गया है। तो लगभग ऐसे जो सेंटर्स है पूरे भोपाल में 177 सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए और सभी जगह आज जो है किशोरों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ नीरज श्रीवास्तव, अनादि टीवी भोपाल।